पेशाब सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। अब क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछा आया क्यों है तू? कैसी तबीयत है? हैं? ओ भाई की तबीयत कैसी है? ओए भाई सब डरा क्यों रहा? बंदूक तो मेरे हाथ में है। और जवान बेटियों के बाप दरवाजे पर तमाशा नहीं लगाया करते। और तू इतनी रात को सलाम लेने आया मुझसे? ना जाने। खबरदार तो जानी मानी कहा मुझे, फ्री होने की जरूरत नहीं है। दस आया क्यों है? ओए देखो जो होना था ना वो हो गया। ओए जो हो रहा है ना उससे तुझे क्या? अब तेरी नूह जड़ी है वो मॉडलिंग करेगी, इश्तेहार बनाएगी, एक्टिंग करेगी। तेरे तो दिन फिर जाएंगे ना, बोझे तेरे भर जाएंगे पैसों से और मेरा दिमाग फिर जाएगा। वो कैसी बातें कर रहे हैं यार? और तेरा पुत्र जो है ना वो है फसाद की जड़। पहले टके टके के इश्तेहारों में खुद काम करता था, अब अपनी गोटी को कराएगा, मेरा मुंह काला कराएगा। अरे मैं तो उतना ही जानता हूँ जितना तुझे मालूम है भाई। अरे मैं सब जानना वा, सब जानना वा। आस्तीन दे सब को तुसी, बगल छुरी ते मुंह ते राम राम। अरे शबीरे। अरे ठहर जा, जान लगा सलाम दा पूरा जवाब ते ले ला। कोई हवाई फायर करा? ओए कसम खुदा की, ओए खा कसम खुदा की, कौन है साहब बता कौन है साहब? ओए सारे रिश्ते सारे नाते सारी दोस्तियां, ओए चला दे गोली। ओए ओए अगे ना आई मैं गोली चला देंगा। ठीक है गया किसकी डोली? ओए छोटी मैनु लगता मेरे हाथों मैनु मरवाएगा तो खुद जश्न मनाएगा, लेकिन मैं दी रोटी नहीं खुलन देनी, देख लेना। लाइट जलती देखी तो आना पड़ा मुझे। तुम्हें पता है ना कमर्शियल की शूट अर्ली मॉर्निंग शुरू होती है और फ्रेश लगने के लिए तुम्हारा नींद पूरा करना बहुत जरूरी है। कुछ यादें इंसान के जहन पर इतनी भारी होती हैं कि बिना कुछ किए ही थका देती हैं। जिस दुनिया में तुम जा रही हो ना वो तुम्हें इतना मसरूफ कर देगी, इतना मसरूफ कर देगी कि कोई भी शख्स तुम्हें याद नहीं आएगा। अगर यादें तो हमेशा साथ रहती हैं ना? हाँ यादें साथ तो रहेंगी लेकिन अपने होने का एहसास नहीं दिलाएंगी। दुनिया को बहुत आसान लगता है आर्टिस्ट बनना,
लेकिन एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रोज एक नई जिंदगी जीनी पड़ती है, रोज एक नया किरदार निभाना पड़ता है। रोने को दिल चाहता है मगर हंसना होता है, हंसने को दिल चाहता है पर रोना पड़ता है। सजना संवरना, भीड़ शोर मुकाबला, ये सब कुछ साथ रहने वाला इंसान भुला देता है, तो फिर खोए हुए लोगों की यादें क्या चीज है। जब ख्वाब देखे थे तब ये जानती नहीं थी, अब जब जान गई हूं तो नींद ही नहीं आती। मेरे ख्वाबों का रिश्ता मेरी पलकों से टूट गया शायद। सारी रात इसी सोच में तमाम होती है कि मेरा कौन है। मगर हमें इतना ढीठ होना चाहिए कि हम नींद की गोली खा के सो जाएं और अपनी नींद पूरी करें। हाँ अब तुम भी सो जाओ, सोने का टाइम हो गया। चलो चलो उठो, शाबाश, अब तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, चलो। चेक चेक चेक, 1 2 3। तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी। खान साहब समझिए, कोई बात नहीं। सजाद भाई, मैं डूब रहा हूं अभी, डूबा तो नहीं हूं। अच्छा सजाद भाई भी कैंसिल, कोई बात नहीं, नहीं डूबे। सबका फेवरेट आतिफ असलम। अब तो आदत से मुझको ऐसे जीने में, चुप कब करेगा? बात सुन, देख मुंह में छालिया थी जो इतना बड़ा झूठ बोल दिया। सच बोल के जान छुड़ा देता, बोल देता मैं किसी और का। मौका ही नहीं मिला बोलने का, भाई ने दिया ही नहीं मौका। और जब समझ आया तो भाई ऐलान कर चुके थे। किस्मत के यॉर्कर का यही मसला, जब समझ आती है उससे पहले विकेट उड़ जाती है, अगला बल्ला जमीन पे ही मारता रहता है। किस्मत दोबारा मौका नहीं देती, दोबारा बारी भी नहीं आती, मौका बनाना पड़ता है। बल तू नहीं जानता, भाई के बहुत एहसानात है मुझ पर, बहुत खुश थे। एक एहसान मुझ पे भी करो, हनी जी को भूल जाओ और बनाओ नई दास्तान मेरू जी के साथ। तू जानता है ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा और कब होगा? आपको पता भी है वो कहाँ है? कराची जैसे शहर में अभी तक वो जिंदा है। मुझे तो लगता है कि अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए वो खुश है। खुश नहीं है। इतना यकीन यकीनन मरवा देता है दोस्त। क्या पता जैसे आपकी जिंदगी में मेरू जी आई, आप डट के खड़े हो गए। वो बेसहारा लड़की थी, मुझे तो लगता है वो बाजी हार के किसी और दांव में उलझ गई है। क्या पता हमारे बीच में है नहीं बाबा, मेरी हनी हार नहीं मानेगी। खेल ले जिंदगी अपने दाव पेच, जितने भी खेल ले, मून और हनी मर जाएंगे पर जुदा नहीं हो सकते। और जब तक जिंदा है गिर गिर कर उठेंगे, और मरने तक मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्त, जैसा आप कहें। मुझे तो लगता है ये माइक खराब है, फाइनल चेक कर लेता हूँ। मुझे वैसे भी अली जफर पसंद है। अचानक आंखों में एक नशा, ओए अरुण, अरुण ओए किथे मर गया? पर क्या हुआ, सब खैर है? हाय हाय क्या हो गया,
ये किसको मार दिया आधी रात को तूने? ये क्यों स्यापा डाला हुआ है? क्या हो गया? ओ अम्मा तू जाके सो जा, मेरा मीटर घुमा हुआ है। हैं? ऐस वक्त? वो इस उम्र में मीटर ज्यादा घुमाया जाए ना तो सड़ जाता ही। जा जाके ठंडा पानी पी, चल। ओ यहाँ जाके ठंडा पानी लेकर आ। जी। अब मेरा मतलब है कि मून को बुला, उसको फोन करके बहू को घर में वापस लेकर आए। तो तूने कहीं पांग तो नहीं पी ली? क्यों कत्ल करवाने हैं तूने? और कुछ नहीं होगा अम्मा, क्या समझते हैं अपने आप को शबीर अहमद? वो वापस भी आएंगे और हम जश्न भी मनाएंगे। और उसकी ऐसी की तैसी। हाँ हाँ, ऐसी की तैसी उसकी। होने लगा ना मेरा बब्बर शेर। अम्मा यानी मेरे अरमान बिल्कुल ही सो जाएंगे? क्यों सोच रहे? जा जाके फोन कर। ये वेला सोचन का नहीं है, काम करने का। चल निकल, जल्दी जा। जो जो झूठ आपने उनसे बोले है ना, उन सबको संभालना भी आपको ही पड़ेगा मिस्टर मून, क्योंकि आजकल हमसे तो अपना दिल नहीं संभाला जा रहा। कसम से मेरा तो ना यहाँ सारा टैलेंट ही मर गया है, वरना माहिरा, महवेश, सोनिया। अब आ जाएंगी देखकर तेरी आनिया जानिया। ये भी ठीक है। और वो जो फहद मुस्तफा है, फिरोज खान, अहद रजा मीर और वो आगा अली। जरूरत नहीं है किसी का भी नाम लेने का भी, क्योंकि तेरा रियल लाइफ हीरो तो मोमनी है। ये भी ठीक है। फिलहाल ख्याली प्रोडक्शन छोड़ के ना हकीकी प्रोडक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि हनी का तो ना ध्यान ही ध्यान है। यहाँ से तू हिला और वहां से तू अगले जहान है। आप करवाना क्या चाह रहे हैं? लोग दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, हम रिश्तेदारी को दोस्ती में बदल लेंगे। एक आसान मुझ पे भी करो, हनी जी को भूल जाओ और बनाओ नई दास्तान मेहरू जी के साथ। ऐ खुदा मेरी हनी मेरा मान है, इसे टूटने ना देना। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है। गुड मॉर्निंग आपी, क्या हुआ आज इतनी सुबह सुबह उठा दिया आपने?
टाइम देखा है तुमने और पार्लर की हालत देखी है? शूट है आज, लड़कियों को तैयार करना है। सलून की लड़कियों को फोन करो, बोले जल्दी आए, सफाई करें। आज दो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी है। मुझे तो आज बहुत काम है। हनी को लेके रोहिल के बताए हुए डिजाइनर के पास जाना है, वहां से उसके कपड़े पिक करने हैं, फिर वहां से शूट पे जाना है। समझ नहीं आ रहा मैं अकेले कैसे करूंगी सब। तो आप ही क्या, मैं शूट पे नहीं जाऊंगी? यहाँ कौन संभालेगा, यहाँ भी तो देखना है ना, लड़कियों को तैयार करना है, शूट पे भेजना है। लेकिन आप ही, मैं हनी की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, मुझे उसके साथ साथ होना चाहिए ना। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन जो काम है तुम्हारा वो तो करो ना। जो हनी कर रही है वो तुम नहीं कर सकती, और जो तुम कर रही हो वो हनी नहीं कर सकती। देखो उसे थोड़ा अकेले भी रहने दो, उसको खुद भी मैनेज करना आना चाहिए, छोटे छोटे फैसले उसको खुद लेने दो। अगर हम पे ही डिपेंडेंट रहेगी तो फिर इंडिपेंडेंट कैसे होगी वो। अभी उसे जिंदगी में बहुत काम करना है। और मैं यही लोगों को सजाती रहूं? किसी का लाल मुंह देखकर ना अपने मुंह पे थप्पड़ मारना नहीं शुरू कर देते कि हम भी लाल हो जाएं। और जहां तक रही हनी की बात, तो तुम उसकी दोस्त तो हो ही ना, घर में जाओ उसको जगाओ ताकि वो टाइम पे पहुंचे शूट पे। वैसे भी वो आने वाले वक्तों की सुपरस्टार बनेगी। और मैं? ये क्या मैं की नट लगाई है तुमने? क्या करना चाहती हो तुम, मॉडल बनना चाहती हो? नहीं। नहीं तो फिर जो तुम्हारा काम है वो करो ना ठीक से। लड़कियों को टाइम पे तैयार करके उनको भेजो, हनी को तैयार करवाओ, जाओ। ये जो रोज तैयार वेयर करके मुझसे फरार हो रही हो ना आप ही, अगर मुझे साथ साथ ना रखा ना तो हथियार उठा लूंगी कसम से। फिलहाल तो मैं हथियार उठाने वाली हूँ अगर तुम नहीं गई एक मिनट में यहाँ से, जल्दी जाओ। सर पे चढ़ा लिया मैंने इसको, और इसकी देखा देखी बाकी भी नखरे करने लगी। लेकिन चलो कोई तो इनके भी नखरे उठाने वाला होना चाहिए। हेलो जी जी जमाल साहब, बस हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे। जी जी ड्रेसेस उठाने उसके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा। आप क्यों इतना परेशान होते हैं भाई, बहुत पैनिक करते हैं आप। आ रहे हैं हम बस, खुदा हाफिज। हनी हनी उठो ना। क्या हुआ? उठे शहजादी, कामयाबी की दुनिया आपको हकीकत में पुकार रही है। मॉर्निंग। हैव अ गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। तुम्हें क्या हुआ सुबह सुबह, तबीयत ठीक है? एक मिनट। हाँ तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कोई नशा किया है क्या? ओहो शहजादी, कामयाबी का नशा कामयाब से ज्यादा उसके साथ रहने वाले को हो जाता है। और नशे में इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है, अपनी औकात भूल जाता है। लेकिन मैं शहजादी तो आप ही को बोल रही हूँ ना। हाँ लेकिन मैं शहजादी तो नहीं हूँ ना, तो दोस्त हूँ तुम्हारी। और अगर कभी मैं खुद को शहजादी समझने लग भी गई ना, तो तुम हमेशा मेरी दोस्त रहना, फौरन से मेरा दिमाग ठिकाने लगा देना, वरना होश आने पे ना तुम्हें दुश्मन समझूंगी अपना। अच्छा सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम और सीमी आप ही मुझे कभी भी खुशफहमी में मुबतला ना होने देना, मैं बस हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहती हूँ। शहजादी तो तुम हो दिल की। इधर आओ मेरी प्यारी दोस्त। अच्छा चलो उठो, फ्रेश हो, तैयार हो जाओ। क्यों? ये तो तुम्हें सीमी आप ही बताएंगी, अभी मैं तुम्हारी नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी से उठ जाओ। अरे बाबा मैं बना लूंगी नाश्ता। ओहो तुम भी तो मेरे लिए इतने मजे मजे के पराठे बनाती हो, मैंने कभी बोला कि मैं बना लूंगी? अब जल्दी से बताओ, फ्राई या ऑमलेट? कुछ भी। कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ऑमलेट बनाकर लेकर आती हूँ। उठो जल्दी से, फ्रेश हो जाओ, ठीक है?
भाई को सब सच बताना होगा। गलत। बॉस को फिलहाल उनके हाल पे छोड़ दो, भाभी को ढूंढो, उनके सच के बात करेंगे, सच का फैसला। तो क्या करूं, भाई को जब तक धोखे में रखू? ये धोखा धोखे से बॉस ने खुद को दिया है, उनको धोखे में रखने वाली मेहरू जी हैं, शायद उनके सदके में अपनी बचत हो जाए। और मेहरू जी का क्या करूं? उनसे पहले मुझे यहीं तक पहुंचना है, वरना बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, उनका फंस जाऊंगा मैं। कोई रास्ता ना मिला तो ये रास्ता बुरा नहीं है। हनी की जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए कहते हैं पहले पड़ाव को पार करने से पहले आखिर की टेंशन मत लो। हनी को ढूंढना मुश्किल होगा, मॉडलिंग करती है वो, तस्वीरें उसी होंगी हर जगह पंचायत में। बिलाल भाई मुझे मून से कुछ बात करनी है, आप बाहर जा सकते हैं? ओके की रिपोर्ट है। जी। आपको भाई बाबा ने इतना अच्छा कमरा दिया है, यहाँ क्यों रह रहे हैं? वो मुझे इससे कुछ बात करनी थी इसलिए आया था यहाँ पर। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, आज का दिन मेरे ना सुबह से शाम। जी जी। वो मुझे भाई के काम से जाना है। तो भाई के काम से ही जा रहे हैं, पहले मुझे ज्वेलर पे जाना है, फिर उसके बाद मुझे शॉपिंग पे जाना है। ये सब तो आप करेंगी, मैं क्या करूंगा? मेरी हिफाजत, पता नहीं है कितना खतरा है मेरी जान को, इतना डर लग रहा है मुझे। नजर आ रहा है मुझे, मगर मैं मगर कुछ नहीं, ये भाई बाबा का हुक्म है, आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे, बिल्कुल मेरे साये की तरह। देखे मैं देखेंगे, पूरा दिन बाकी है अभी, मैं बस 10 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिलीवरी मिल गई थी। हाँ ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू ड्राइवर। हाँ चल, अल्लाह हाफिज। दैमा, आप मुझे कुछ कहना चाह रही है? जी। अब बात करने के लिए आपको मुझसे पूछना पड़े? जी भाई जी, सोचना तो पड़ेगा, औलाद का मामला है और वो भी बेटी, किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये आपकी मोहब्बत है दाइमा, मून अच्छा लड़का है और मेरू उसको पसंद भी करती है। इस उम्र में तो सभी कुछ अच्छा लगता है, मगर शादी किसी तकरीब का नाम नहीं है भाई जी, ये तो नसीब की बात है। शुरू की शरारतें, उसके बाद सारी जिंदगी के दुख सुख, और फिर शादी तो दो घरों के मेल का नाम है। लड़की का मामला है, आप अच्छे से तसल्ली कर ले, यकीन दहानी कर ले, ये बहुत जरूरी है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है दहमा, इस काम में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे जब तक आपकी पूरी तसल्ली ना हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सुल्तान की पहचान बड़ी पक्की है, मून अच्छा लड़का है, अच्छे दिल का लड़का है, अच्छी सोच का है। दिल धड़कता है मेहरू के दिल में आपका, खुदा ना ख्वास्ता अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तो है। अच्छा ये चाय तो ठंडी होगी, ये दूसरी ला दीजिए, मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। Thank you.
सलाम भाभी, उठने को दिल नहीं चाह रहा था आज? उठना कैसा भाभी, अब तो शबनम जागने लगी है। बिला वजह के फलसफे। आप पे ही फैसला कर लिया कि बिला वजह है। तो फिर वजह? ये तो वक्त आने पे पता चलेगा ना भाभी। कहाँ जा रही है? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं टाइम जाया करती रहूं। बड़े स्यापे हैं मेरे। भाभी सोच ले, फिर शायद वक्त ना मिले। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जिसने आधी जिंदगी गवा दी हो ना, वो जल्दबाजी के फैसले नहीं करता। गलत काम भी शैतान का होता है। देर से आई है माँ के करेक्टर में। पर तू तो अभी भी बेटी का किरदार नहीं निभा सकी। अच्छा छोड़ ना, अब ऐसे वक्त में क्या गिले शिकवे करने। कैसा वक्त? जब साथ में वक्त कम रह गया हो। तो जो भी करने जा रही है ना शबनम, तो ये सोच के करना कि कभी कभी इंसान समझता है ये किस्मत का लिखा है, पर बाद में पता चलता है कि वो तो किस्मत के खिलाफ जा रहा है। जब किस्मत इतनी अच्छी मिली हो तो खिलाफ जाने का क्या डर। किस्मत की तपिश बड़ी तेज होती है, साड़ के रख देती इंसान को। खून खोल रहा हो ना, दिल अंडे की तरह उछलता है उसमें, पर कुछ कर नहीं सकता। हाँ भाई, तैयार हो गई हो? निकले चले। हेलो जी, एक्चुअली पूछना ये था, आपकी बात हो गई ना डिजाइनर से? हाँ हाँ जी, बस हम दोनों निकल ही रहे हैं। तो मत निकले जी। जी मैं भी वहीं जा रहा था डिजाइनर के पास, वार्डरोब का कुछ डिस्कस करने, तो मैंने सोचा मैं रास्ते में आपको पिक कर लेता हूँ, इफ दैट्स ओके। अरे नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। सीमी जी, इट्स नॉट आउट ऑफ द वे, रास्ते में ही है। अच्छा है, कंपनी भी हो जाएगी और सब अच्छे से हो रहे हैं, इनको वहां पे अटेंड भी कर लेंगे। चले ठीक है, जैसे आपकी खुशी। थैंक यू, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके सी यू। क्या हुआ, चलना नहीं है? चलना तो है लेकिन रोहेल के साथ, वो आ रहा है हमें पिक करने। मैं कहीं नहीं जा रहा यार। बॉस ने बोला है जाना है तो जाना पड़ेगा। बॉस को कहते कि उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। और कितना झूठ बोलोगे भाई? डर लगता है मुझे, मेहरू जी ने अगर मून का असली स्टाइल देख लिया ना, सारे नखरे भूल जाएगी। वो तो पहले ही भूल चुकी है सबको सिवाय आपके। गलती कर रही है, खामोशी देखी उसने भी मेरी, गुस्सा नहीं देखा। हौसला लड़के, लड़की है वो, प्यार कर बैठी है आपसे, जैसे आप हनी भाभी के प्यार में, वैसे वो आपके प्यार में। बस हो गई है मेरी, अजाब लग रहा है मुझे। ना शुक्र इंसान, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि दिल लगाओ, मैं तो कह रहा हूं दिल मत तोड़ो। जब तक हनी भाभी नहीं मिलती तो मेहरू जी को छेलो। मैं कह रहा हूं मेहरू जी को छेलो, ये क्या? नहीं जाना मुझे कहीं, मना कर दे जाके, कह दे बीमार है, तो जाए यहां से। डोंट रूड मी फुल चेंगुस्ट।
आपको तो सब जानते हैं, लेकिन हुरैन चौधरी को तो कोई भी नहीं जानता। हाँ, लेकिन सिर्फ अभी तक, बहुत जल्द सारी दुनिया जान भी जाएगी और पहचान भी जाएगी। मेरा दिल कहता है आप सबके लिए ही ऐसे हैं, इतने ही अच्छे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी तो अपने लिए भी नहीं होता। तो इस बार कोई खास वजह? खास बात ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हो रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त कोई किसी को गाइड नहीं करता था। आपको देख के अपना कल याद आता है, जब रोहेल खान कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है आपने काफी स्ट्रगल की है। नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। ऊपर वाले ने बहुत जल्द रोहेल से रोहेल खान बना दिया। फिर तो आप लकी हैं। पता नहीं, I don't know, मेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद को बहुत लकी समझें, क्योंकि आपका टाइम आने वाला है। I'm telling you. Anyway, first things first, अभी चलते हैं अपना वोट फाइनल करते, ओके? मेहरू जी? जी? कब तक फ्री होंगे? जब तक मैं न चाहूं। भाई ने कहा था कि ज्वेलर के पास जाना है और हार पिक करना है बस। हाँ, ज्वेलर के पास भी तो जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे शॉपिंग पे जाना है। भाई ने ये नहीं बताया था? मैं बता रही हूँ ना आपको। देखिए मेहरू जी, जो और भी बहुत से काम है, वकील के पास जाना है, मीटिंग करनी है, आप अगर बस हार ही तो नहीं मानती मैमून। अगर आपको यकीन ना आए तो भाई बाबा को कॉल करके पूछ ले। प्रणित है, समझ गया हूँ, वो भी समझा ही नहीं। इसे काफी समझदार हो गए आप, अच्छी बात, वेरी गुड। तो फिर हम अभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, रात में डिनर करेंगे और फिर आइसक्रीम खाएंगे। हाँ वो तो सही, आप गोल गोल घूम रही हैं। हार माइंड चेंज हो गया। एंजॉय करें, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सुबह सुबह पंख तो नहीं पी ली तू? वो इतने पैसे तो करना की है तू ना भाईजान, मैं कौन से धमाले डाल रही हूँ यहाँ पे? ले मिसाला देखो किस किस्म दिया दे रही है, धमाला डालनिया ने, करना की है इतने पैसे दा? पक्खे पे मारूंगी कापियां, वो जरूरत है भाईजान। वो केड़ी जरूरत पै गई है? मन्नत। वो मन्नत केड़ी मन्नत? मन्नत पै गई है भाईजान, मैंने मन्नत मानी थी कि जब आप खैर से अस्पताल से घर आ जाएंगे ना, तो मैं सारे सुबह में जाके अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाऊंगी। ले मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ, ये गोलियां बजियां सर मैंने 5-6। तो भाईजान मुझे तो गोलियां देने की जरूरत नहीं है, अरे खरे खरे नोट दें, पूरे 2 लाख रुपए चाहिए, 50,000 फी सुबह। 1 रुपया फी सुबह नहीं दूंगा। ओ यहाँ बच्ची की शादी करनी है, तूने जाना है, तेरे साथ जाएगा कौन? भाईजान मेरा कौन है? अल्लाह ही अल्लाह। ले फिर अल्लाह के नाम पे इतने सारे पैसे दे के तोड़ दूं तुझे? तो आपके पैसे थोड़ी मांग रही हूँ, अपने बाप के पैसे मांग रही हूँ। जायदाद में और घर में और कारोबार में मेरा हिस्सा है, वो मैं नहीं छोड़ूंगी, वो वापस आ जाऊंगी मन्नत पूरी करके। हिस्सा हिस्सा की कही जा रही है? हाँ तो मैं को झूठ बोल रही हूँ? अब्बा अब्बा अब्बा, वो मैंने पागल कर देगी ये कुड़ी, समझा को जानू। लेट हो रहे हैं ना वेख भाभी, हैं ऐसा क्या कह दिया मैंने भाईजान को जो इतनी ओवर एक्टिंग करके गए? शब्बीर अहमद की रग रग को उसकी माँ से ज्यादा तो तू जानती है शबनम, उसे कब कहाँ और कैसे चोट देनी है
तुझे सब पता है। जाहिर है भाभी, जिंदगी में इतनी चोटें खाई हैं तो बंदे को समझ आ ही जाती है, लेकिन भाईजान मेरी किसी एक रग से भी वाकिफ नहीं। पर मैं तेरी रग रग से वाकिफ हो गई हूँ शबना, तू मन्नत पूरी करके ही रहेगी। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।